For more information and tutorials, please visit my website www.bacomputerexpert.in. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। और इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड 2007 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में, और ये है ट्यूटोरियल लेसन नंबर 4। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हम फॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऊपर आई बटन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो जो मेरे चैनल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डायलॉग बॉक्स क्या होता है, उसके बाद फिर हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का प्रैक्टिकल करेंगे एमएस वर्ड 2007 में। डायलॉग बॉक्स एक तरह का बॉक्स होता है या स्क्रीन होती है, जिसके अंदर हमारे कई एक्स्ट्रा ऑप्शंस या अदर इन्फॉर्मेशन, हमको जो जरूरत है प्रोग्राम में कंटिन्यू करने के लिए, वो ऑप्शंस होते हैं। डायलॉग बॉक्स के अंदर कई तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स या लिस्ट बॉक्स या कमांड बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, ठीक है, या ये डिपेंड करता है कि डायलॉग बॉक्स किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आगे टॉपिक में सीखेंगे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में, तो ये मैंने साइड में स्क्रीनशॉट दिया हुआ है इसका, ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा या फिर कंट्रोल डी प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इस कॉर्नर वाले बटन को दबाएंगे या फिर कीबोर्ड में कंट्रोल डी बटन दबाएंगे तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ ऑप्शंस पहले से मैंने इसमें फॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल्स वाले ऑप्शनों में करवा दिए हैं, जो ये फॉन्ट का ग्रुप था जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, वो सारे स्टाइल जो आपने यहाँ पे इस लिस्ट में किए थे वो सारे स्टाइल यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, आप डायरेक्टली वहीं से कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो। जैसे मैंने किसी भी स्टाइल को क्लिक किया तो ये आपको नीचे यहाँ पर दिखा देगा कि कैसा स्टाइल आ रहा है इस प्रीव्यू वाले बॉक्स में। और वैसे ये बोल्ड इटालिक है, ये फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा करने के लिए है, और ये फॉन्ट का कलर, ये अंडरलाइन का स्टाइल या ये अंडरलाइन का कलर, स्ट्राइक थ्रू में बीच में एक कटी हुई लाइन लग जाती है जैसे यहाँ पर ये दिखा रहा है, और डबल स्ट्राइक थ्रू में डबल कटी हुई लाइन लग जाएगी बीच में मिडल में, और सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं पहले। उसके बाद ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस एक्स्ट्रा हैं जो हम फॉन्ट फॉर्मेटिंग में हमने टूल्स में किए थे, उनके अलावा ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं जिनको मैं वन बाय वन करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करेंगे। उसके लिए हमको सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल, मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और इसका मैं साइज थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है उन ऑप्शनों से। तो जैसे अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर शेडो वाले ऑप्शन को अगर हम ऑन करते हैं तो टेक्स्ट के पीछे जो है हल्की सी शेडो आ जाएगी। इसको ऑन करने के बाद जब हम ओके करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है यहाँ पर पीछे, टेक्स्ट के पीछे हल्की सी शेडो आ गई है। आई होप आपको शेडो दिख रही होगी, जैसे इसमें यहाँ पर शेडो नहीं है, और इसके पीछे देखिए ई के पीछे एस, ये सभी लेटर्स जो हैं इनके पीछे एक हल्की सी शेडो आ गई है। अगर इसको हटाना है तो उतने ही टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद शेडो वाले ऑप्शन को हटा देंगे और फिर ओके, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आउटलाइन। आउटलाइन वाले ऑप्शन से क्या होगा, जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है उसके बाउंड्री, जो लेटर की बाउंड्री है उस पर एक लाइन आ जाएगी और अंदर का जो कलर है वो हट जाएगा या वाइट हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे तो आउटलाइनिंग आ जाएगी हर एक लेटर की। और अगर आप इसको ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो फिर ये उस ऑप्शन को हटा देगा और ये नॉर्मल हो जाएगा।
उसके बाद है एम्बॉस। एम्बॉस का मतलब होता है कि अक्षर थोड़े से उभरे हुए दिखेंगे, जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट में जो व्हाइट पेपर है उसमें से निकल के आ रहे हैं अक्षर। तो इसको ऑन करने के बाद ओके करेंगे तो ये जो आपके लेटर हैं ये एम्बॉस हो गए हैं। अब जैसे नीचे वाले मैंने लेटर्स को या टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इन पे अप्लाई कर दिया एनग्रेव। एनग्रेव का मतलब होता है धसे हुए। तो जैसे ही इसको ऑप्शन को ऑन करोगे और ओके, तो उसके बाद ये अंदर धस जाएंगे जितने भी लेटर हैं, तो आपको ऐसे दिखेगा। अभी अगर आप इसमें देखोगे नॉर्मली तो आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे आप इस एस में देखेंगे तो जो शेडो है ना, वो शेडो इसके ऊपर आ रही है एस की किनारी पे, और यह यहाँ पर। और इस वाले एस में अगर आप देखोगे तो शेडो आ रही है नीचे। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि ये जो है ये उभरे हुए अक्षर हैं और ये जो है ये धसे हुए अक्षर हैं। कलर आप करना चाहें तो इसको कलर कर सकते हैं फॉन्ट कलर वाले ऑप्शन से। तो जैसे मैंने इसको येलो कलर कर दिया, ऐसे इस पे भी आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए अगर एस में अगर ध्यान से देखेंगे तो एस में देखो शेडो इसमें ऊपर आ रही है और इस नीचे वाले एस में यहाँ पर शेडो जो है वो नीचे आ रही है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अगर इनको हटाना है तो जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया था, ठीक है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद उस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे यहां से। इसको ऑफ करने के बाद ओके करेंगे तो ये उसको हटा देगा। नॉर्मल कलर करने के लिए यहाँ पे आप उसको ब्लैक कलर कर सकते हैं, ऐसे इसमें भी ब्लैक कलर करने के बाद और यहाँ से एम्बॉस वाला ऑप्शन हटाने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये वाले ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स का मतलब क्या होता है कि जो लेटर्स की हाइट है वो तो उतनी रहेगी, लेकिन इनको ये कैपिटल बना देगा। यानी कि इसको अगर आप ऑन करोगे तो हाइट तो उतनी है अक्षरों की, लेकिन उसका जो छोटी ए बी सी डी थी उसको बड़ी ए बी सी डी में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो ये उसको कैपिटलाइज कर देगा सभी लेटर को, लेकिन उनकी जो फॉन्ट की हाइट थी वो वैसे की वैसे रहेगी। अगर इसको आप हटाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे स्मॉल कैप्स को, और फिर ओके करेंगे तो ये उस ऑप्शन को हटा देगा और टेक्स्ट को नॉर्मल कर देगा। उसके बाद है आल कैप्स। आल कैप्स का मतलब इनका लेटर्स की जो हाइट है इनका हाइट का साइज भी बढ़ जाएगा और ये कैपिटल भी हो जाएंगे। अगर इसको आप ऑन करेंगे तो आप देखिए इसमें इसका जो लेटर्स की हाइट है उसका साइज बढ़ गया, यानी ये थोड़े बड़े हो गए हैं और कैपिटल भी हो गए हैं। ओके करने से ये अप्लाई हो जाएगा, और अगर इसको हटाना है तो वहां से हम ऑप्शन को हटा सकते हैं और फिर ओके तो इसको नॉर्मल कर देगा। उसके बाद है हिडन वाला ऑप्शन। हिडन वाले ऑप्शन को करने के लिए मैं इस बीच वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं। जैसे मैंने फुटर्स वाले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जैसे ही मैं हिडन पे क्लिक करूंगा तो हिडन का मतलब जैसे आपको बता रहा है कि ये उसको हाइड कर देगा। तो ओके करने से जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया था वो हाइड हो जाएगा। अगर उसको वापस लाना है, ये हाइड हम क्यों करते हैं, ताकि अपना कोई जो प्राइवेट कोई अगर लेटर है या फिर मैसेज है या फिर कोई ऐसी लाइन है जो आप किसी दूसरे रीडर को दिखाना नहीं चाहते, तो उस टेक्स्ट को आप हाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो टेक्स्ट कहाँ से आपने हाइड किया है। अब जैसे मुझे पता है कि हेडर्स और लिस्ट वाले वर्ड्स के बीच में जो फुटर वाला था वो मैंने हाइड किया है, तो उसको अनहाइड करने के लिए, उसको वापस लाने के लिए इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले टेक्स्ट को, और फिर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाकर हिडन वाले ऑप्शन को ऑफ कर देंगे और फिर उसके बाद ओके। तो उससे क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट हमने हाइड किया था वो वापस आ जाएगा। तो इस तरह से हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के टूल्स को यूज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा टूल्स थे या ऑप्शंस थे जो हमने फॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल्स में किए थे उनके अलावा। इसके बाद ऊपर एक ये ऑप्शन है, एक ये टैब है। जब भी आप ऐसे किसी भी स्क्रीन को देखेंगे जिनमें ऊपर नाम लिखे हुए हैं और आप उसको ऐसे क्लिक कर सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं टैब्स। तो जैसे ये फॉन्ट टैब है और ये करेक्टर स्पेसिंग टैब है। तो करेक्टर स्पेसिंग जो है वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में भी आ जाता है और
फॉन्ट फॉर्मेटिंग में भी आ जाता है। तो इसमें मैं कुछ ऑप्शंस बताऊंगा जो यूजफुल है, जैसे स्केल। अभी ये 100% स्केल है, अगर आप इसको बढ़ा देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 200 कर दिया और उसके बाद ओके कर देंगे, तो अक्षर जो है वो बड़े हो जाएंगे और खिंच जाएंगे, जैसे इनका जो स्केल है वो 200 यानी कि डबल हो गया। और इसको अगर आपने नॉर्मल करना है तो वहां पर जाकर आप जैसे 100 टाइप करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा ओके करने से। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेसिंग, क्योंकि ये करेक्टर स्पेसिंग वाला ऑप्शन है, तो स्पेसिंग से एक तो है एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड का मतलब होता है स्पेसिंग बढ़ाना, तो जितने भी पॉइंट आप यहाँ पे स्पेसिंग देना चाहते हैं उतने पॉइंट आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप बढ़ाएंगे तो देख रहे हैं कि आपके जो टेक्स्ट था इसके लेटर्स में, सभी करेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो गया है। ओके करने से ये आपको ऐसे खुले खुले अक्षर दिखाएगा। अगर आप इसको कम कर देंगे और यहाँ पे अगर नंबर वन कर देंगे, जैसे वन करने से ये नॉर्मल हो रहा था, लेकिन अगर आप कम करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंडेंस्ड वाला ऑप्शन ऑन हो गया है। चाहे तो आप यहाँ से कंडेंस्ड को क्लिक कर लीजिए, या फिर आप यहाँ से कम या ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा एक्सपेंडेड में या फिर कंडेंस्ड में। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से पॉइंट कम करने से जो लेटर्स हैं या करेक्टर्स हैं उनके बीच में जो गैप था, जो स्पेस था, वो कम हो गया। तो कई बार हमको ऐसे जरूरत पड़ती है कि कोई वर्ड पूरी लाइन में पूरा नहीं आ रहा, या फिर कोई वर्ड है जो ज्यादा नेक्स्ट लाइन में चला गया, तो उसको ऊपर बैक लाइन में सेट करने के लिए हम उसको स्पेसिंग को कम कर देते हैं, या फिर उसको पूरी लाइन में करने के लिए स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से करेक्टर स्पेसिंग वाला ऑप्शन यूज होगा। उसके बाद है पोजीशन। पोजीशन नॉर्मल है, पहले हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। या तो यहां से आप नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए या फिर वहां पर 0 पॉइंट टाइप कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल पे आप क्लिक कर सकते हैं या वहां पर 0 पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद तो ये उसको नॉर्मल कर देगा। अब जो ये पोजीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन है जिसके ऊपर आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे हमारी हिंदी की कोई भी नोटबुक होती है तो उसमें लाइनें होती है ना, और लाइनों के ऊपर आप कुछ भी लिखते हैं, तो उसी तरह हमारे कंप्यूटर में भी जो भी आप टाइप कर रहे हैं उसकी एक बेस लाइन होती है। उस बेस लाइन से आपने टेक्स्ट को ऊपर करना है या नीचे करना है, तो उसके लिए यहाँ पर पोजिशन है। तो यहाँ से अगर आप रेज्ड करेंगे तो थोड़े ऊपर हो जाएंगे ये, जैसे आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ से पॉइंट्स अगर इंक्रीज करूंगा तो उनकी जो पोजिशन है वो अप होगी। वैसे ही अगर आप इसको कम करेंगे, यहां से अगर आप कर देंगे लोअर्ड, तो ये पोजीशन से नीचे हो जाएगा ओके करने के बाद। तो यहां से आप पोजीशन थोड़ी सी ऊपर करनी है या नीचे करनी है वो कर सकते हैं। और अगर इसको नॉर्मल करना है तो यहां से हम कर देंगे इसको नॉर्मल, और फिर ओके, तो तब ये नॉर्मल टेक्स्ट को पोजीशन को सेट कर देगा। तो इस तरह से हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के ऑप्शंस और जो करेक्टर स्पेसिंग में ऑप्शंस थे वो यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड 2007 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज विजिट माई वेबसाइट www.bacomputerexpert.in। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, और जो साथ में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन या कॉमेंट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and have a nice time.